आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम तैयार करेंगे आलू टमाटर की सब्जी। अगर घर में हरी सब्जी ख़त्म हो गई है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आपके पास लहसुन अदरक प्याज दही ये सब चीज़ें नहीं हैं और सिंपल आलू है, तो आप उससे भी आप बढ़िया सी सब्जी तैयार कर सकते हैं, मज़ेदार जायकेदार। इसको पूरी पराठा रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते, बेस्ट रेसिपी है जो हर चीज़ के साथ जाएगा। तो आप बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं दिखा देती हूँ कि देखिए कितनी ग्रेवी इसकी गाढ़ी है। इसमें कोई हमने प्याज नहीं डाली है, कुछ नहीं डाला है, उसके बावजूद इतनी जायकेदार तैयार हुई है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ उसको मैंने कैसे तैयार किया है। अगर घर में सब्जी खत्म हो गई है, हरी सब्जी खत्म हो गई है, आपके पास लहसुन अदरक नहीं है या प्याज नहीं है, तो आप ये सब्जी तैयार कर सकते हैं जो फटाफट बन जाती है। 10 मिनट लगेगा और उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, इसमें मसाले भी कम लगते हैं। तो मैंने 4 आलू को इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है, 2 मीडियम साइज के टमाटर उनको काट लिया है, 5 मैंने छोटी हरी मिर्च ली हैं, इनको हम बीच में से चीर लेंगे, 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है। बाकी मसालों में हमको जो ज़रूरत पड़ेगी, कश्मीरी लाल मिर्च है, क्योंकि इसमें हम हरी मिर्च डाल रहे हैं तो लाल मिर्च इसमें कम नहीं डालेंगे, सिर्फ रंग के लिए हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 2 चुटकी मैंने हल्दी ली है। बस हमारे यही मसाले हैं और ये फटाफट कुकर में हम तैयार करेंगे। तो मैंने कुकर रख दिया है, इसको हम सरसों के तेल में बनाएंगे। तो थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, इसको कड़कने देते हैं, थोड़ा तेज़ गर्म हो जाए। तेल गरम हो गया है, इसमें हम सबसे पहले हम जीरा डाल देते हैं, इसको कड़कने देते हैं और फिर डायरेक्ट इसमें हम आलू डालेंगे। अब पहले इसको चला देते हैं, दो मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, भुनने देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, अच्छे से भुन गया है ये तेल में। अब इसमें मैं टमाटर और हरी मिर्च साथ में डाल देती हूँ, इसको भी भून लेते हैं 2 मिनट। तो 2 मिनट ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, सारे मसाले एक साथ डाल देते हैं। मैंने आपको नमक दिखाना भूल गई थी, मैंने नमक ले लिया है और अब इसको मिक्स कर देते हैं। फ्लेम लगातार मैंने हाई की हुई है, अब देखिए 2 मिनट में ही टमाटर कितना सॉफ्ट हो गया है। टमाटर आप देसी लीजिएगा, अगर आपके पास देसी नहीं है तो खट्टापन के लिए थोड़ी सी आप इसमें खटाई डाल सकते हैं। तो बस अब मैंने इसको भून लिया है, इसमें हम पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। इतना पानी डालना है कि ये डूब जाए। ये देखिए मैंने इतना पानी डाला कि ये डुबा दिया मैंने इसको। अब इसको हाई फ्लेम पे 1 विसल देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे रख देंगे। जब ये कुकर ठंडा हो गया तो उसको अब हम खोलते हैं। देखिए अब कितनी बढ़िया से तैयार हो गई। अब हमको क्या करना है कि इसकी ग्रेवी गाढ़ी करनी है, तो हम आलू को इस तरह से दबा देंगे, कुछ आलू को दबा देंगे, कुछ को छोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा कि इसी से ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाएगी। इसमें दही की भी ज़रूरत नहीं है, लहसुन अदरक प्याज किसी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं है। सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करिएगा, बस थोड़ा थोड़ा कि टूट जाए, इस तरह से आपने कर देना है। और अब दोबारा से इसको हम पकाने के लिए रख देते हैं, थोड़ा सा ये जो है इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। ये वो सब्जी है जो आपको पूरी के साथ स्ट्रीट फूड के फॉर्म में मिलती है या रेलवे स्टेशन पर मिलती है, ये बिल्कुल वही सब्जी है। आप इसमें हरा धनिया डाल दें, अगर हरा धनिया नहीं है तो सूखा कसूरी मेथी डाल दें। तो मैं अभी इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर देते हैं और 3-4 मिनट इसको पकने देते हैं और झटपट वाली हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो जाएगी, जो कि 10 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं लगेगा। थोड़ा सा मैं कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। अगर आपके पास हो तो दोनों चीज़ें ही आप डाल सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें डाल दी हैं और ये हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं सर्व कर देती हूँ। तो आप देखिए आलू टमाटर की सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसका ग्रेवी मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी गाढ़ी है। ये देखिए
ये वही सब्जी है जो रेलवे स्टेशन पे मिलती है या स्ट्रीट फूड के तौर पे पूरी के साथ मिलती है। बिल्कुल वही तरीके से मैंने ये सब्जी तैयार की है, और बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छा इसका जायका है, और देखिए आप कितनी सिंपल है, इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डली हैं, ज़्यादा इंग्रीडियंट्स भी नहीं है, फिर भी देखिए कितनी गाढ़ी ये सब्जी तैयार हुई है। शेयर कीजिए इसको अपने अजीज़ों के साथ, कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छे जायकेदार सब्जी के आप मज़े लीजिए लॉकडाउन में। अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शैला दस्तरखान।